गुड मॉर्निंग फॉर क्लास हाउ आर यू चिल्ड्रन। तो आज हम हिंदी का प्रथम पाठ आपका जो कि एक कविता है प्रार्थना, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चे, शब्द अर्थ है ये जो बेटा पॉइंट है, इसके मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको पार्ट ए में। अब हम करेंगे शब्द अर्थ। तो देखिए फर्स्ट है संध्या। संध्या क्या होती है? शाम। दल, दल क्या होता है? समूह। भू, भूमि या धरती। उपवन, उद्यान या बाग, बगीचा जैसे कह सकते हैं। तृण क्या होता है? घास। जग, संसार। सरिता, नदी। प्रभु, ईश्वर। विहग, पक्षी। शीश क्या होता है? सिर। ठीक है बच्चे, ये है आपके शब्द। और साथ में बेटा बुक एक्सरसाइज में आपको क्या दिया गया है? कविता की अधूरी पंक्तियां, उनको आपने पूरा करना है। जैसे कि बुक में आपको लिखा है सावन के घन, आगे आपको क्या दी गई है? हरी जगह दी गई है, वहां आप लिखेंगे नील गगन में सावन के घन, उमड़ उमड़ जिसके छा जाते, प्यासी भूखी प्यास मिटाने, शीतल जलधारा बरसाते। ठीक है बच्चे, आपने जो अंडरलाइन है वहां पे बुक में ये फील कर रहे हैं। आगे देखेंगे, सेकेंड है जबकि उसने माता को हम सब मिलकर है शीश नवाते, उस प्रभु को उस ईश्वर को हम सब मिलकर है शीश झुकाते। ठीक है बच्चे, ये जो पोइम है ये किससे बेस्ड है? ये सारी जो प्रकृति है वो क्या करती है? उस ईश्वर के गुणों का गुणगान करती है। ओके बेटा, हैव नाइस डे, थैंक यू।